यहाँ पर हम देखते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्या क्या है ब्लड रिलेशन का। पहला कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का, जैसे कि ब्लड रिलेशन में सबसे ऊपर जो पीढ़ी होती है हमारी दादा दादी की होती है, यानी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, दादा और दादी की। दूसरे नंबर पर आते हैं फादर मदर, यानी कि इनको हम बोलते हैं पापा या मम्मी, या फिर हम बोलते हैं पिताजी या माताजी। तीसरी पीढ़ी आती है हमारी सन एंड डॉटर की, यानी पुत्र और पुत्री। और चौथी पीढ़ी आती है हमारी पौत्र, यानी पोता और पोती, ये चौथी पीढ़ी आती है। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन हमारा चलता है, यानी कि जो खून का रिश्ता हमारा होता है। अब इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पजल फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, एक कॉर्डेड रूप में रिलेशन दिए जाते हैं, और एक होता है पेयरिंग फॉर्म में रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि जेंडर है, सबसे पहले हमें जेंडर के लिए रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि जेंडर हमारा मेल और फीमेल दो तरीके के जेंडर होते हैं। तो जनरेशन गैप हमें कैलकुलेट करना होता है, मेल को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर ट्राइंगल का उपयोग करेंगे और फीमेल को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर गोले का उपयोग करेंगे। जैसे मान लो ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है तो पिता को हम ऊपर रखेंगे, तो बी का पिता है ए, और ए पिता है इसका मतलब ये मेल है, तो ये हमने लिख दिया। अब बी का हमें कुछ पता नहीं है मेल है कि फीमेल है, इसलिए बी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरा हम देखें जैसे कॉन्सेप्ट है या लाइन है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो बी को हम ऐसे लिख देंगे, और ए को माँ बनाना है तो ए यहाँ पर ऊपर बना रख दिया और इसको गोला कर दिया, तो ए इसकी बी की माँ बन गई। इसी तरीके से ए और बी भाई भाई हैं, तो भाई है मतलब कि दोनों मेल हैं पता चल रहा है, और भाई भाई को हम इस तरीके से लिखेंगे, ए बी का भाई है, तो भाई भाई को हमने इस तरीके से पास पास में रख दिया, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। नेक्स्ट हम देखें ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है तो बी ऊपर रखेंगे, अब बी ये पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, और ए पुत्र है, ए फिक्स है पता है, तो ये ए के लिए मेल हो जाएगा इस तरीके से, ए बी का पुत्र है। ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, तो ए बी की बहन है तो यानी ये फीमेल है, तो ये फीमेल होगी, और बी ए का भाई है यानी कि ये मेल हो गया और ये बहन भाई हो गए। नेक्स्ट हम देखें ए बी की पत्नी है, तो पत्नी के लिए हम प्लस साइन लेंगे, अब ए बी की पत्नी है तो ए फीमेल है और बी यहाँ पर मेल है, तो ये हो गया ए बी की पत्नी है। नेक्स्ट हम देखें ए बी का चाचा है, तो चाचा के लिए हम कैसे उपयोग लेंगे, ए बी का चाचा है तो पहले बी का पिता होगा और पिता का भाई चाचा होगा, तो पिता का भाई बना दिया ए और ये चाचा है, तो भाई है तो मेल है इसलिए हमने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया। नेक्स्ट हम देखें ए बी का मामा है, तो मामा को कैसे बनाएंगे, पहले ए की क्या बनाएंगे माँ बनाएंगे, फिर माँ का भाई बनाएंगे ए, तब होगा यहाँ पर ए बी का मामा होगा। नेक्स्ट हम देखें ऐसे कि ए बी का दादा है, तो दादा कैसे बनाएंगे, ए बी का दादा तो बी का पिताजी बनेगा पहले, और पिताजी का पिताजी दादा हो गया, तो ए बी का दादा हो गया। इसी तरीके से ए बी का अगर नाना बनाना है तो नाना कैसे बनाएंगे, पहले बी की माँ बनाएंगे और माँ के पिताजी बनाएंगे नाना, तो ए बी का नाना हो जाएगा इस तरीके से, ए बी का नाना, तो ए बी का नाना हो गया इस रिलेशन में। नेक्स्ट हम देखें ए बी की पुत्र वधु है, पुत्र वधु मतलब कि बेटे की पत्नी, तो बी की पुत्र वधु, तो बी का पहले बेटा होगा, बेटे की शादी होगी, तो शादी इससे हो गई, तो ए बी की पुत्र वधु है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला ए है ये बी है, तो ए बी की पुत्र वधु है, यानी ये रिलेशन इस तरीके से बन जाएगा, बी ये इससे शादी करेगी बी से, तो ये एक बी की पुत्र वधु है, तो यहाँ पर बन जाएगा ए। नेक्स्ट हम देखें ए बी का दामाद है, यानी कि बेटी का पति, तो यहाँ पर ए बी का दामाद है तो हमने ए बना दिया, इसको दामाद बनाना है, दामाद बनाने के लिए इसकी शादी करवानी पड़ेगी, तो शादी करवा दी इससे, और इसके जो पिताजी हैं या माताजी होगी वो इसका दामाद होगा, तो ये बी का दामाद हो गया ए, ये मेल हो फीमेल हो लेकिन दामाद ही रहेगा। नेक्स्ट हम देखें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ए बी का पति है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे लाइन दे रखी है, ए बी का पति है यानी कि ए हमने लिख दिया, बी हमने लिख दिया, ए बी लिख दिया, अब ए बी का पति है इसका मतलब ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है, ए बी का पति है तो ये बी फीमेल हो गया इस तरीके से, ए बी का पति है, और सी ए का पुत्र है,
तो सी यहाँ पर ए का पुत्र है, तो सी ए का पुत्र है, तो ये पुत्र बन गया, सी ए का पुत्र हो गया। अगला क्या दे रखा है, डी वी की पुत्री है। अब डी है बी की पुत्री है, तो यहाँ पर डी बी की पुत्री हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बी की पुत्री हो गई। इस तरीके से डी बी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है, एफ जी का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमने अलग से बना दिया कि एफ है, यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर रिलेशन बना देते हैं, एफ किसकी पुत्री है, जी की पुत्री है, तो ये जी की पुत्री बना दी है, तो पुत्री मतलब कि फीमेल होगी, एफ जी की पुत्री है। और सी एफ का रिश्ता है, सी एफ का पिता है, यानी सी यहाँ पर एफ का पिता है। अब सी एफ का पिता कैसे बनाएंगे, सी एफ का पिता है मतलब कि इसकी शादी होगी किससे, सी से, तो यहां पर हम बना देते हैं सी से शादी होगी किसकी, जी की, तो जी यहां पर फीमेल की है, पुत्री एफ दे रखी है, तो ये एफ होगी जी की पुत्री, एफ जी की पुत्री है, तो एफ जी की पुत्री है और सी एफ का पिता है, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, ये जी की पुत्री होगी और सी एफ का पिता हो गया, तो ये पुत्री हो जाएगी फीमेल, तो ये हमारे पास में रिलेशन बन गया है। अब कोई भी रिलेशन यहाँ से पूछा जा सकता है कि बी का एफ सी का रिलेशन है, जी का सी से का रिलेशन है, ए का एफ सी का रिलेशन है, वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, फैमिली ट्री, यानी इसको बोलते हैं फैमिली ट्री। अब मान लीजिए ए का एफ सी रिश्ता पूछा है, ए का एफ सी रिश्ता पूछा है, तो ए एफ का क्या लगता है, दादा, तो दादा आंसर आ जाएगा। एफ का ए सी रिश्ता पूछा है, मान लो एफ का ए सी रिश्ता, यानी ए का एफ क्या लगता है, पोता, तो पोती हो जाएगी क्योंकि फीमेल है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है जी और बी से संबंध, जी और बी का संबंध क्या है, यानी जी और बी, यानी इसका पति पति का पिता की पत्नी, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी महिला है, उसका पति उसके पति के पिता क्या कहलाएंगे, ससुर, और ससुर की पत्नी क्या कहलाएगी, सास, यानी कि जी का बी से क्या संबंध है, तो सास की जो बहू है वो क्या कहलाती है, पुत्र वधु, तो पुत्र वधु कहलाएगी। तो इस तरीके से रिलेशन निकालते हैं। जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, एक परिवार में बी सी का पुत्र है, तो एक बी दे रखा है, वो किसका पुत्र है, सी का पुत्र, तो यहाँ पर सी का पुत्र बना दिया हमने बी को, सी का हमें मेल फीमेल कुछ पता नहीं है अभी, परंतु सी जी की बी की माँ नहीं है, लेकिन सी है बी की माँ नहीं है, तो इसका मतलब पिता होगा, माँ नहीं है तो ये पिता हो गया। दूसरा, ए और सी दोनों शादीशुदा हैं, ए और सी दोनों शादीशुदा हैं, मतलब सी पिता हो गया, तो ए क्या होगी, पत्नी होगी इसकी, ए और सी शादीशुदा हो गया। एफ सी का भाई है, अब एफ है सी का भाई है, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, ये एफ सी का भाई हो गया। डी ई का भाई है, और डी है वो ई का भाई है, तो इसका अलग रिलेशन लिख देते हैं, डी है ई का भाई है, तो यानी कि ई का मेल फीमेल हमें पता नहीं है, ई ए की पुत्री है, और ई है वो ए की पुत्री है, ए की पुत्री है, यानी ई का हमें मेल फीमेल पता चल गया है, ये पुत्री होगी ई ए की पुत्री, और इसका मतलब ई ए की पुत्री है, तो डी इसका भाई पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमने बना दिया है। अब यहाँ पर पूछा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो पुरुष हम देखें परिवार में कुल कितने हैं, एक दो, एफ सी और बी और डी, ये चार पुरुष परिवार में हैं। दूसरा हम देखें बी की माँ कौन है, तो बी की माँ कौन है, तो हम यहाँ पर देखें बी की माँ है ए, तो ए बी की माँ है। तीसरा, ए के कितने बच्चे हैं, तो ए कितने बच्चे हैं ये हमसे पूछा है, तो ए के पूछ देखें हम, एक बच्चा तो ये रहा बी, और दो बच्चे ये रहती, तो तीन बच्चे हैं ए के। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, तो ए दे रखा है बी का भाई, तो यहां पर बना दिया ए बी का भाई। सी ए का पिता है, तो सी यहां पर दे रखा है ए का पिता, तो ए का पिता हो गया ये सी, सी ए का पिता है। डी ई का भाई है, और डी है ई का भाई दे रखा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डी ई का भाई है, यानी अलग से रिलेशन दिखा दिया। ई बी की पुत्री है, तो
ई है बी की पुत्री, तो बी की पुत्री ई हो गई, तो यहां पर आ गया फीमेल, और डी इसका पहले से बाई है। इस तरीके से रिलेशन बन गया हमारा, यानी फैमिली ट्री बन गया ये कंप्लीट। अब यहाँ पर पूछा है बी का डी से संबंध है। अब बी का डी से संबंध, तो बी का डी से संबंध हम देखें तो ये यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, भाई दे रखा है। अब ये इसका पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। अब भाई की ये क्या हो गई, बेटी हो सकती है, यानी पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है। यानी बी का डी से संबंध क्या हो सकता है, पिता या मामा से कोई एक हो सकता है। डी के चाचा कौन है, अब डी के चाचा की बात करें, ये इनके पिता हैं बी, तो बी इनकी माँ भी हो सकती है, और माँ के भाई मामा हो जाएंगे। और माँ के भाई की बात करें, अगर ये माँ है तो माँ के भाई मामा हो जाएंगे ये, और अगर ये पिता हैं तो पिता के भाई चाचा हो जाएंगे, यानी ए ही यहाँ पर आंसर आने वाला है। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन। जैसे हमें दे रखा है एक परिवार में कितने सदस्य रखे हैं, छह सदस्य दे रखे हैं एक परिवार में, ए बी सी डी ई एफ, छह सदस्य हैं एक परिवार में। पुरुष और महिला बराबर हैं, यानी तीन पुरुष हैं और तीन ही महिलाएं हैं। अब हमें यहाँ पर फैमिली ट्री बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे फैमिली ट्री, पहली तो कंडीशन दे रखी है कि ए और ई एफ के पुत्र हैं, तो ए और ई एफ के पुत्र हैं, इसका मतलब हम बना देते हैं एफ और उसके नीचे बना देते हैं ए और ई। पुत्र दे रखे मतलब दोनों की यहाँ पर मेल हैं, ए और ई एफ के पुत्र हैं, ए और ई एफ के पुत्र हैं। डी दो बच्चों की माँ है, तो डी यहाँ पर दो बच्चों की माँ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी दो बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की है, तो इसका हमें पता नहीं है। डी दो बच्चों की माँ है, उसमें एक लड़का है और एक लड़की है, और डी माँ है, इसका मतलब ये फीमेल है। ये हो गया हमारा दूसरा सेक्शन। अब बी है ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, तो बी यहाँ पर ए का पुत्र बना दिया, यानी कि ये पुत्र हो गया, तो तीन यहाँ पर क्या हो गए, जेंट्स हो गए। अब हमें पास में बचा है फीमेल सारी, क्योंकि तीन महिला तीन पुरुष दे रखे हैं, इसका मतलब ये माँ होगी, एफ माँ होगी। दूसरा हमें पता है कि दो यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की लाना है, और डी का क्या करना है, डी की दो बच्चों की माँ है, तो डी दो बच्चों की माँ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी की शादी किसी से करवानी पड़ेगी। डी की शादी हम ई से भी करवा सकते हैं और ए से भी करवा सकते हैं। अगर डी की शादी हम किससे करवाएं, ए से करवा देते हैं, जैसे डी की शादी हमने करवा दी ए से, तो ये डी की शादी हो गई ए से। और डी का दो पुत्र हैं, दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़का तो हो गया इसका बी, क्योंकि पति के लड़का लड़की और ये बी हो गया एक लड़का, और एक इसकी लड़की हो जाएगी जिसका नाम है सी, ये इसकी लड़की हो गई, तो फैमिली ये कंप्लीट हो गई है, तीन महिला तीन पुरुष। अब यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन सी का इसी संबंध है, तो सी का इसी संबंध पूछा है, तो सी का इसी संबंध क्या होगा, सी ए की पुत्री होगी, यहाँ पर हम देखें ए की पुत्री है इसी। दूसरा क्वेश्चन है ए और बी का भाई जो सी का पिता है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दे रखा है ए बी का भाई है जो सी का पुत्र है, तो ए बी का भाई है जो, तो जो यहां पर आएगा वो सेकंड नंबर के लिए आएगा, यानी बी के लिए आएगा, जो सी का पिता है, तो सी का पिता भी हो गया और ए भी भाई हो गए। इस तरीके से लैंग्वेज को हमें यहाँ पर समझना है, जैसे ए बी का भाई है और सी का पिता है, तो और किसके लिए आएगा, एक के लिए, यानी पहले नंबर के लिए आएगा, तो यानी ए के लिए आया है, ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है, तो जबकि भी यहाँ पर वन नंबर के लिए आएगा, ओनली जो दो नंबर के लिए आएगा बाकी वन नंबर के लिए आएगा। ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है, तो ए यहाँ पर बी का भाई है जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई है परंतु सी का पिता है, तो ए बी का भाई है परंतु सी का पिता है। तो ये लैंग्वेज हमें समझना है यहाँ पर, कि जो आएगा वो सेकंड नंबर के लिए आएगा, बाकी और है, जबकि है या परंतु है,
ये फर्स्ट नंबर के लिए आएंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक परिवार में बी पी का पति है, तो बी है वो पी का पति दे रखा है, यानी पति तो पत्नी हो गई पी और बी हो गया पति, बी पी का पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है, तो क्यू ई का इकलौता पोता है, तो यहां पर हम बनाए क्यू इकलौता बेटा है जो कि पी की सास है, क्यू ई का इकलौता पोता है, तो जो यहां पर आया ई के लिए जो कि पी की सास है, तो यहां पर ई का इकलौता पोता बनाते हैं, तो ई की सास है, ई की सास मतलब कि ये फीमेल है, और पोता मतलब कि फीमेल का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा क्या हो जाएगा क्यू, क्यू इकलौता पोता है जो कि पी की सास है, जो कि पी की यहाँ पर सास हो गई, ई डी की पत्नी है, ई है डी की पत्नी है, तो ई का हम रिश्ता करवा देते हैं डी के साथ में, तो ये होगी ई डी की पत्नी। वी का डी से संबंध पूछा है, तो वी का डी से क्या संबंध होगा, जैसे बी की मम्मी है यहाँ पर ई, और मम्मी का पति क्या हो गया पिता, तो ये यहाँ पर हो सकता है कि वी का डी से संबंध, वी डी का क्या लगता है पुत्र लगता है, तो ये पुत्र आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखें, जैसे एक परिवार में क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये क्या दे रखे हैं, एक परिवार में इतने सदस्य हैं, डब्ल्यू टी का इकलौता भाई है, तो डब्ल्यू टी का इकलौता भाई है, इसका मतलब डब्ल्यू और टी भाई भाई हैं, तो यहां पर हम बनाते हैं इसको डब्ल्यू टी का इकलौता भाई है, तो ये डब्ल्यू हो गया, ये टी हो गया, दोनों भाई भाई हैं और इकलौता भाई है डब्ल्यू टी का, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बहन भी हो सकती है, टी तो बहन भी हो सकती है, यहां पर सिर्फ डब्ल्यू का बनाते हैं सबसे पहले, डब्ल्यू टी का इकलौता भाई है, वी एस का पुत्र है, अब वी है एस का पुत्र है, तो यहां पर हम इस तरीके से बना देते हैं कि ये वी है, ये किसका पुत्र है, एस का पुत्र है, तो ये हमने वी एस का पुत्र बना दिया, और एस का हमें पता नहीं है मेल फीमेल है, एस पी का पुत्र है, और एस भी किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, तो ये भी हमें पता नहीं है कि ये पी हम बना देते हैं यहाँ पर ऊपर एस के ऊपर पी, यानी ये हो गया हमारा, एस पी का पुत्र है, आर टी का देवर या जीजा है, अब आर है टी का देवर या जीजा है, तो टी का देवर कौन हो सकता है, अब टी है टी का देवर, तो यहाँ पर टी यहाँ पर देवर जीजा हो सकता है, तो ये भाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इसका देवर और जीजा कौन होगा जो इससे शादी करेगा, यानी कि लड़की होगी तो लड़का होगा, तो यहाँ पर हम तो या दो कंडीशन बना सकते हैं, यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि इसकी शादी हम करवा देते हैं लड़की से, यानी इसको मेल मानते हैं टी को, और इसकी शादी करवा देते हैं लड़की से, अब लड़की का जो भाई होगा जैसे आर है, आर दे रखा टी का देवर, तो ये हो गया भाई देवर, आर टी का देवर, यानी कि हम कह सकते हैं ये अगर इसका भाई होगा, जैसे कि इसने से लड़की शादी कर ली, शादी के लड़की का भाई होगा, तो टी है आर का, आर टी का क्या हो गया जीजा हो गया, यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि आर टी का देवर या जीजा है, तो देवर और जीजा दोनों के लिए कंडीशन बनाई हमने, आर है यहाँ पर टी का क्या होगा, जैसे ये दोनों भाई बहन है, अब बहन की शादी मान लो इसने करवा दी इससे, तो ये आर है टी का जीजा है, तो यहां पर ये उल्टा स्टेटमेंट है,
आर टी का देवर या फिर जीजा है? तो यहां पर हम देखें आर टी का देवर या जीजा यहां पर बैठ नहीं रहा है, हमें यहां पर इस तरीके से करना होगा इसको, टी को हमें मानना पड़ेगा मेल, ये भाई भाई है, ये मेल मान लिया हमने, इसकी शादी करवा दी हमने किससे, ऐसे इसकी शादी करवा दी। अगर हम इससे शादी करवा देते हैं ऐसे, और फिर एस का भाई है वो आर है, ये आर है, तो आर, अब यहां पर देखें आर टी का देवर या जीजा हो सकता है, ये रिलेशन यहाँ पर बैठ नहीं रहा है इस तरीके से, हम वापस से देखते हैं इसको। जैसे सबसे पहले देखा है डब्लू टी का इकलौता भाई है, तो डब्लू हमने बनाया टी का इकलौता भाई, डब्लू टी का इकलौता भाई है, डब्लू टी का इकलौता भाई मतलब कि ये भाई हो गया, डब्लू टी का इकलौता भाई। यू एस का पुत्र है, अब यहाँ पर यू है एस का पुत्र, तो ये हमने बना दिया यू और ये हमने बना दिया एस, एस का पुत्र है यू, और एस पी का पुत्र है, तो एस पी का पुत्र, तो ये एस हो गया एस पी का पुत्र। आर टी का देवर है या जीजा है? आर टी का, तो टी का देवर और जीजा दो कंडीशन रहेंगी, तो टी का देवर मतलब कि यहाँ पर टी का कोई होगा, टी है मान लो, टी को हम मान लेते हैं फीमेल, अगर इसकी शादी करवाते हैं किसी से, मान लो इससे हमने शादी करवा दी, इसकी टी की इससे हमने शादी करवा दी, अब टी की इससे हमने शादी करवा दी, तो इसका जो भाई होगा वो देवर होगा, तो आर टी का देवर या जीजा होगा, तो आर इसका क्या हो गया, भाई हो गया, तो यहाँ पर हो गया आर इसका भाई, एक कंडीशन तो ये बनती है, ये तो बनती है हमारी देवर के लिए कंडीशन। अब जीजा के लिए कंडीशन बनाते हैं इसी को, जीजा के लिए कंडीशन क्या बनेगी, जैसे कि टी हमने क्या माना, जीजा के लिए कंडीशन क्या बनेगी, मान लो इसको माना हमने फीमेल, ये फीमेल हो गया, अब आर टी का जीजा है, तो जीजा मतलब कि इसकी बहन लाएंगे हम, टी की बहन, टी की बहन, यानी इसको हमने माना लड़की, तो अब इसको मान लेते हैं हम लड़की, या फिर इसको मान लेते हैं हम आर टी का जीजा है, यानी इसको लड़का ही मान लेते हैं, फीमेल की जगह मेल मान लेते हैं, अब इसकी शादी करवाते हैं अपन किसी से, यानी इसकी किसी से शादी होती है, अब जिससे इसकी शादी होगी वो लड़की होगी, और लड़की का क्या होगा, यानी ये इसकी बहन होनी चाहिए तभी जीजा हो सकता है, तो यहाँ पर बहन इसकी होगी, टीकी कोई बहन है नहीं है यहाँ पर, तो दूसरी कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई होगी नहीं, क्योंकि इकलौता भाई है, इसलिए पहली कंडीशन यहाँ पर देवर वाली ही सेटिस्फाई होगी, तो देवर वाली कंडीशन पर ही हम काम करते हैं यहाँ पर, यानी इसको एस मान लेते हैं और आर मान लेते हैं, तो ये रिलेशन हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमने रिलेशन अप्लाई कर दिया, यानी टी को हमने मान लिया फीमेल और इसकी शादी करवा दी हमने किसी से, और ये हो गया हमारा आर, तो यहाँ पर हो गया आर टी का देवर या जीजा है। अब आगे चलते हैं, आर टी का देवर या जीजा है, आगे लाइन दी हुई है,
क्यू आर की माता है। क्यू क्या दे रखी है? आर की माता। अब क्यू आर की माता दे रखी है तो क्यू क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, क्यू आर की माता हो गई। और वी क्यू का पति नहीं है। अब वी है यहाँ पर, क्यू का पति नहीं है, यानी क्यू का पति हम कोई बना देते हैं, लेकिन वो वी नहीं है, तो यहाँ पर क्यू का पति है कोई भी है लेकिन वो वी नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। पी एस यू को कहीं और जगह बना देते हैं, तो यहाँ पर बना दिया हमने पी एस यू को, पी एस यू ये दोनों पुत्र। अब ये हो गया क्यू हमारा, क्यू आर का माता है और वी क्यू का पति नहीं है, आर एस का पुत्र नहीं है, आर है यहाँ पर एस का पुत्र नहीं है, तो यानी एस का पुत्र नहीं है तो यहाँ पर आर नहीं आ सकता, यानी एस नहीं आ सकता इस जगह पर, और वी भी नहीं आ सकता, यानी एस नहीं आएगा वी नहीं आएगा। अब हमारे पास में ये जो ऑप्शन दे रखे हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, अब वी पता है पति नहीं है तो वी नहीं आएगा यहाँ पर, आर है वो आएगा नहीं, आर पहले से ही आ गया है, डब्ल्यू यहाँ पर आएगा नहीं, टी यहाँ पर आएगा नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर इस जगह पर जिससे इसकी शादी करवाएं। दूसरा हम देखें एस है, एस यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि आर एस है, आर का पुत्र नहीं है तो एस भी नहीं आएगा। अब बचा कौन सा? यू और क्यू बचा है हमारे पास, यू और क्यू दोनों में से एक हो जा सकता है, तो क्यू तो पहले से ही आ गया, क्यू भी नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या बचा है? यू बचा है, तो यू से इसकी शादी होगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यू। और पी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हम रखते हैं अभी, तो यू और वी में से कोई आ सकता है। नेक्स्ट देखें, वी क्यू का पति नहीं है, ये भी हमने देख लिया है, आर वी क्यू का पति नहीं है, आर एस का पुत्र नहीं है तो यहाँ पर एस भी नहीं आएगा, डब्ल्यू की एक भतीजी या भांजी है, तब डब्ल्यू की एक भतीजी है, इसका मतलब हम कहें डब्ल्यू की एक भतीजी होगी, भतीजी मतलब कि यहाँ पर बहन की, जैसे ये बहन है, बहन की बेटी भी भतीजी हो सकती है, ये भतीजी हो सकती है, या फिर हमने जिसे शादी की है उसकी पुत्री या उसका पुत्र है वो भी भतीजा भतीजी हो सकती है, तो यानी जिसे शादी की है लड़के से उसका भी पुत्र यहाँ पर हो सकता है भतीजा भतीजी, यानी कि यू भी हो सकता है, यानी यहाँ भी हो सकती है यहाँ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें डब्ल्यू की एक भतीजी भी है, अब हमने देखा है यहाँ पर कि जो एस है आर एस का पुत्र नहीं है, आर एस का पुत्र नहीं है तो आर यहाँ पर नहीं आ सकता, आर यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हम रख देते हैं आर, एस का पुत्र नहीं है तो एस हमने यहाँ पर रख दिया, आर यहाँ पर एस का पुत्र नहीं है, क्योंकि किससे शादी करवा दी? तो हमारे पास पी और यू है, अगर हम यू रखते हैं तो पी इधर आएगा, तो यहाँ पर पी से शादी करवा देते हैं क्यू की, क्योंकि पी से शादी करवा दी, क्योंकि कैसे शादी करवा दी? पी से शादी करवा दी, और हमारे पास में सारे आ गए यहाँ पर यू और बी हैं, यू और बी कहाँ पर आ जाएंगे? यू और बी यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये सारे रिलेशन हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। अब क्यू का पति पूछा है, क्यू का पति कौन है? क्यू का पति यहाँ पर कौन है? पी है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम देखें, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई हैं, तो प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई हैं, तो चार भाई हैं और तीन बहनें हैं, प्रत्येक बच्चे के चार भाई और तीन बहनें हैं, यानी ये भाई हैं चार भाई और तीन बहनें हैं, प्रत्येक परिवार के एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई तीन बहनें हैं, तो परिवार में कम से कम कितने बच्चों की संख्या हो सकती है? तो चार भाई तीन बहनें, तो ये हो गए सात। अब सात में एक लड़का और जोड़ देते हैं, क्योंकि तो एक लड़का होगा जिसके चार भाई और तीन बहनें होंगे, तो
एक लड़की हम लोग जोड़ देते हैं इधर से, उसके चार भाई कम से कम और तीन बहनें होंगी, तो टोटल कितने हो गए? 9। तो 9 मेंबर होंगे, जैसे कि एक परिवार में एक लड़के के चार भाई, कम से कम चार भाई और तीन बहनें होना जरूरी है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, जैसे इसके चार भाई और तीन बहनें हैं, अगर एक भी हम कर देते, कम कर देते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, जैसे इसको हम कम कर देते हैं, 8 रख देते हैं, तो इसके हम देखें इस लड़की के चार भाई हैं लेकिन 2 ही बहनें रह जाएंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर टोटल 9 सदस्य उस परिवार में होंगे। नेक्स्ट हम देखें, एक परिवार में एक दादा दादी है, दो पिता दो माँ हैं, चार बच्चे तीन पोता पोती हैं, एक भाई दो बहनें हैं, दो पुत्र दो पुत्री हैं, एक ससुर एक सास है, एक बहू है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो सबसे पहले हम बनाते हैं दादा दादी। तो जैसे हमने बनाया, ये दादा दादी का जोड़ा बना दिया हमने, ये दादा दादी का जोड़ा बना दिया। अब इसमें दो पिता दो माँ है, तो दो पिता दो माँ, तो दो पिता जैसे कि ये इसका पिता हो गया, ठीक है। अब ये दादा दादी है तो इसकी माँ क्या हो जाएगी? दो पिता और दो माँ है, तो ये हो गया दो पिता दो माँ, यानी ये इसका पिता है और ये इसकी माँ है, तो एक माँ तो ये हो गई, दो पिता और दो माँ, एक और माँ लगनी है। इसमें चार बच्चे तीन पोती पोती हैं, चार बच्चे, एक बच्चा तो ये हो गया, तीन बच्चे और लगा देते हैं हम, यानी इनके चार बच्चे, एक बच्चा तो ये, इनका बच्चा ये हो गया, और तीन बच्चे और लगा देते हैं, इसमें चार बच्चे हो गए और तीन पोता पोती हैं, तो ये तीन पोता पोती हो गए, तीन पोता पोती चार बच्चे। अब इसमें दो पिता हो गए हमारे पास में, दो पिता, एक तो ये पिता हो गए, एक ये पिता हो गए, तो दो पिता हो गए, यानी एक ये पिता हो गए, एक ये पिता हो गए, दो पिता, चार बच्चे तीन पोता पोती हो गए, एक भाई दो बहन है, एक भाई है यहाँ पर दो बहनें हैं, ये एक भाई दो बहनें, दो पुत्र दो पुत्री हैं, तो दो पुत्र कौन से हैं? ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, दो पुत्र हैं, दो पुत्री हैं, जैसे इसकी दो पुत्री हैं, एक ससुर एक सास है, तो जैसे हम देखें इसका ससुर एक ये किए है और इसकी सास है, ये एक ससुर एक सास है, एक बहू है, इसकी हम बात करें तो इसकी बहू एक है, एक बहू है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हो गए? 3 और 2 5 है, तो 7, तो 7 सदस्य परिवार में टोटल होंगे। नेक्स्ट हम देखें, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ए बी की माता है जो सी का भाई है, तो बी की माता है, तो बी की माता ए है जो सी का भाई है, तो जो किसके लिए यूज किया गया है? बी के लिए, तो जो सी का भाई है, तो ये सी का भाई हो गया, जो सी का भाई है। सी और क्यू सहोदर हैं, सी और क्यू सहोदर हैं मतलब कि सी और क्यू या तो भाई भाई हैं या भाई बहन है, जो भी हैं, सी और क्यू सहोदर हैं। वाई पी की पुत्री है, तो वाई पी की पुत्री है, तो वाई का हमें कुछ पता नहीं है, वाई हमने पी की पुत्री मान ली, ये वाई है, ये क्या है? पी की पुत्री है। जेड वी का साला या जीजा है जो डी का पुत्र है, तो जेड है वी का साला, तो वी का साला यानी वी की हम शादी करवाएं किसी से और उसका भाई बनाए, वी की शादी करवा दी उसका भाई बना दिया, ये जेड वी का साला हो गया, या फिर जी का वी का जीजा का हो सकता है जब इसकी बहन की शादी करवाएं किसी से, क्या करवा सकते हैं? इसकी बहन की शादी भी करवा सकते हैं, दूसरा रिलेशन बनाकर, जैसे कि वी ए टी मान लेते हैं, सी और क्यू सहोदर हैं, तो क्यू यहाँ पर मेल फीमेल को क्यों सकता है, इसकी हमने सी की शादी करवा दी किसी से, यानी इस तरीके से कर देते हैं, जैसे सी है और क्यू है, तो सी की शादी करवा दी हमने किसी से, इससे शादी करवा दी और उसका भाई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जेड ही है डायरेक्ट, तो जेड से शादी करवा दी सी की, तो ये हो जाएगा जेड बी का जीजा जो डी का पुत्र है। अब ये जेड है, डी का पुत्र होना जरूरी है, तो यहाँ पर डी का पुत्र मतलब कि यहाँ पर डी रख दिया हमने, यहाँ पर भी डी रख दिया, ये डी का पुत्र है।
ए का केवल एक ही पुत्र है, अब ए का केवल एक ही पुत्र है जो कि बी है, आप ये सही है, ए का केवल एक ही पुत्र है। परिवार में केवल दो पति पत्नी है, तो परिवार में केवल दो पति पत्नी है, दो पति पत्नी की बात करें तो एक जोड़ा तो ये हो गया यहाँ पर पति पत्नी का, यहाँ पर भी एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा यहाँ पर बना नहीं है, और यहाँ पर हम तो क्या, एक जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा जोड़े का यहाँ पर पता नहीं है, तो दो पति पत्नी है, यानी इसकी हम शादी करवा देते हैं ऊपर वालों की, तो डी को हम पिता मानकर चलो शादी करवा देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर डी को पिता मानकर शादी करवा देते हैं एक के साथ में। पी की शादी वी से हुआ है, अब पी की शादी है वी से हुआ है, अब यहाँ पर हमारे चक्कर पड़ रहा है, पी की शादी बी से हुआ है इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन में जो है ये सी की शादी है बी से हो रहा है, जेड की शादी हो रहा है, अगर पी की शादी बी से हुआ है तो पी यहाँ पर रखेंगे, और पी का पहले से पुत्र है वाई, तो दो शादीशुदा जोड़ जाएंगे, तीन शादीशुदा जोड़ हो जाएंगे, तो नीचे वाला रिलेशन तो गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर पी की शादी बी से हुआ है, तो यहाँ पर पी की शादी बी से कर सकते हैं इस रिलेशन में, यानी इस जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, तो पी की शादी बी से हुआ है और पी का पुत्र क्या है, पुत्री क्या है वाई है, और दो शादीशुदा जोड़े हो गए, एक तो बी और एक यू, पी हो गया और एक बी और ए हो गया। अब हमें पूछा है कुल कितने पुरुष हैं, तो कुल कितने पुरुष हैं, जेड है बी है और ए है, तीन पुरुष हैं जो कुल। पी का जेड से संबंध क्या देखें, पी यहाँ पर है, पी का जेड से संबंध क्या है, ये बहन है, और वाई का सी से संबंध हम देखें, वाई का सी से संबंध, वाई की ये होगी माँ और माँ का पति की बहन क्या होगी, बुआ, तो ये बुआ का रिलेशन आ जाएगा। अब हम देखें कॉर्डेड रिलेशन, कॉर्डेड रिलेशनशिप क्या होती है, जिसके कॉर्ड के अंदर रिलेशन को बताती है, जैसे ए इंटू बी, ए बी का पिता है, इंटू मतलब कि बी, भाग मतलब कि पुत्री है, प्लस मतलब कि बहन है, और ए माइनस मतलब बी की पति है, माइनस मतलब पति, तो यहाँ पर रिलेशन को बनाना है, जैसे कि माइनस, माइनस मतलब पति, तो यहाँ पर लिखेंगे पति, जी ए का पति है, प्लस मतलब कि बहन, तो ये बहन हो जाएगी, आर बहन, पी की बहन है, फिर है भाग, भाग मतलब कि पुत्री, तो ये पी पुत्री हो जाएगी। कैसे बनाएंगे इसको रिलेशन को, जी आर का पति है, तो जी है वो आर का पति है, तो आर लिख दिया, आर का पति हो गया जी, तो पति के लिए हम कैसे रिलेशन बनाते हैं, जैसे जी आर का पति है, तो ये लिख दिया आर, आर का पति है जी, तो ये होगी हमारी फीमेल, आर फीमेल होगी, जी आर का पति है, आर पी की बहन है, तो आर पी की बहन, अब ये पी का हमें मेल फीमेल कुछ पता नहीं है, और पी टी की पुत्री है, पी टी की पुत्री है इसका मतलब ये बहन ही है। अब हमें पूछा है यहाँ पर कि जी का टी से क्या संबंध है, अब जी का टी से हम संबंध देखें, तो ये पुत्री, पुत्री के पति क्या होंगे, दामाद, तो दामाद आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखें टी का जी से क्या संबंध है, टी का जी से संबंध हम देखें, जी का क्या हो गया, ये ससुर हो गया, तो सास या ससुर हो सकती है, या का मेल फीमेल पता नहीं है, इसलिए सास या ससुर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें दूसरा रिलेशन, जैसे कि भाग का मतलब क्या बताया था हमने, भाग का मतलब होता है पुत्री, और गुणा का मतलब क्या बताया था, गुणा का मतलब होता है पिता, और माइनस का मतलब पति, तो यहाँ पर आ जाएगा पिता और यहाँ पर आ जाएगा पति। अब रिलेशन को जमाते हैं, जैसे कि एफ टी की पुत्री है, तो एफ को बना दिया टी की पुत्री, फिर टी ए का पिता है, टी किसका पिता है, ए का पिता है, तो इसका मतलब एफ का कोई भाई होगा, तो ये ए इसका क्या हो गया, भाई, टी भाई बहन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर टी ए का पिता है, टी ए का पिता हो गया, यानी टी का मेल फीमेल फिक्स हो गया, लेकिन ए का हमें कुछ पता नहीं है अभी तक, और ए एम का पति है, तो ए एम का पति है, तो ऐसे एम से शादी करवाते हैं, अब यहाँ पर पता चला है कि ये ए मेल है। अब यहाँ पर पूछा है एम का टी से क्या संबंध है, अब एम का टी से हम संबंध देखें, तो ये क्या है, एम का टी से संबंध, तो ये कहलाएगी पुत्र बधू, और टी का एम से संबंध, तो टी का एम से संबंध ससुर कहलाएगा,
तो इस तरीके से हम इसमें रिलेशन को निकालते हैं। इसे यहां पर हम देखें, माइनस मतलब होता है पति, क्या होता है पति, प्लस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब पति और प्लस मतलब होता है बहन। दूसरा हम देखें गुणा मतलब क्या होता है, गुणा मतलब होता है पिता और भाग मतलब पुत्री, गुणा मतलब पिता और भाग मतलब पुत्री। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि पी एम का पति है, तो पी है यहाँ पर किसका पति है, एम का पति है, तो इसकी शादी करवा दी एम से, पी हो गया एम का पति। और एम है आर की बहन है, तो एम आर की बहन है, इसका मेल फीमेल हमें पता नहीं है। आर आर क्यू का पित्र है, पिता है, आर क्यू का पिता है, तो आर क्यू का पिता है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ये पिता हो गया, क्यू का हमें मेल फीमेल पता नहीं है, और क्यू है टी की पुत्री है, तो क्यू किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है, यानी कि आर की हमें शादी करनी पड़ेगी टी से, टी की पुत्री है। इस तरीके से तो पी का क्यू से संबंध, पी का क्यू से संबंध हम देखें तो क्या होगा, इसकी पत्नी, पत्नी का भाई साला, और साला की पुत्री क्या कहलाएगी, बेटी कहलाएगी, तो बेटी आ जाएगी यहाँ पर या पुत्री आ जाएगी। फिर एम का टी से संबंध हम देखें, एम का टी से संबंध क्या है, एम इसकी बहन है, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भाभी हो जाएगी, यानी कि भाई की पत्नी, ये इसका भाई है, भाई की पत्नी क्या होगी, भाभी, तो ये हो जाएगी भाभी। तो इस तरीके से हम ब्लड रिलेशन है वो सॉल्व करते हैं।